भाई बेटे को दिया है आशीर्वाद, ठीक रहे बने कामयाब बने। अरे मैं ये मैं कहूँगा जी भाई साहब, ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं, हर समय समाज सेवी में लगे रहते हैं। बहुत बढ़िया शुरुआत है जी, और भाई गोरो रोहिला रोहिला को सभी को करनी चाहिए। हाथ जोड़ के विनती, मास्क का प्रयोग करें, सरकार द्वारा जो हिदायत दी जा रही है उनका पालन करें। अब सबसे पहले तो विजय रहो, इलेक्शन के आ रहे हैं और विजय रहो में, उसके बाद इनके आशीर्वाद है, फली बहुत होंगे, 100% होंगे और जीतेंगे, हमारा आशीर्वाद इनके साथ। नमस्कार, खबर तेलगा टीम मौजूद है सफीदों के मेन बाजार में, सामने देख सकते हैं आप जो एक मुहिम चालू शुरू की है गौरव रोहिला ने मास्क बांटने को लेकर। यहां देख सकते हैं आप बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जा रहा है गौरव रोहिला द्वारा। माता जी क्या कहने चाहिए, किस तरह का आशीर्वाद दिया है भाई बेटे को? दिया है आशीर्वाद, ठीक रहे बने कामयाब बने। अच्छा, और क्या आशीर्वाद देंगे? तो उम्मीद है गौरव रोहिला से सेवा करेगा? देख लो, करेगा। पूरी आस है। चलिए माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं बुजुर्ग महिला द्वारा आशीर्वाद दिया है गौरव रोहिला को, और उनका ये कहना है कि गौरव रोहिला उनकी सेवा करेगा। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी को रोक रोक कर मास्क बांटे जा रहे हैं, किसी को भी बिना मास्क के नहीं रहने दिया जा रहा। हालांकि कुछ लोग मना करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती मास्क लगा रहे हैं, उन्हें समझा भी रहे हैं कि मास्क लगाइए, मास्क लगाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सफ़ीदों के मेन बाज़ार से, लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गौरव रोहिला द्वारा जो मुहिम चलाई गई है मास्क बांटने की, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के ना रहे। ये साहब हैं वो जिन्होंने ये बयान दिया था कि कैलेंडर बांटने से गौरव रोहिला यही वो महाशय हैं जिन्होंने कहा था कि कैलेंडर बांटने से कोई प्रधान नहीं बनता। बिल्कुल। तो आज क्या कहना चाहेंगे? आज गौरव रोहिला मास्क बांट रहे हैं, इन्हें क्या कहना चाहेंगे? उस दिन आपने ये कहा था कि कैलेंडर बांटने से कोई प्रधान नहीं बन जाता, आज गौरव रोहिला मास्क बांटने आए हैं, आज इनके बारे में क्या कहेंगे ये भी बता दीजिए। इनके बारे में ये मैं कहूँगा जी भाई साहब, ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं, हर समय समाज सेवी में लगे रहते हैं। पहले भी कोरोना का जो दौर आया तब भी ये गली गली मैंने पहले भी बोला था, लेकिन अब ये कह रहा हूँ आजकल फिलहाल होने लग गया मास्क डालना जरूरी है। हर इंसान के पास मास्क जेब में नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसलिए बात नहीं मिला, हर के पास मास्क हो वो मास्क लगाए, चलान से बचे और बीमारी से। मेरे सवाल का वो भी जवाब दे दें, आपने कहा था कैलेंडर बांटने से कोई प्रधान नहीं बनता, और आज आप कहें गौरव रोहिला मास्क बांट रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो सेवा कर रहे हैं जी। अच्छा, सेवा कर रहे हैं, ये वोटों का चक्कर है जी। अच्छा, वो सेवा कर रहे हैं, सेवा से कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अशोक भल्ला जिन्होंने बयान दिया था हमारे चैनल पर ही कि कैलेंडर बांटने से कोई प्रधान नहीं बन जाता। जब हमने इनसे पूछा कि आज गौरव रोहिला मास्क बांट रहे हैं तो उस पर क्या बयान देना चाहेंगे आप, तो इन्होंने कहा कि वो समाज सेवा करें। हमारे साथ सरदार साहब जुड़े, इनसे बात कर लेते हैं। मास्क लगा लो भाई साहब। अच्छा, फिर करेंगे बात अभी जल्दी में, कोई बात नहीं। यहाँ बच्चों को भी मास्क दिए जा रहे हैं, बेटा लगाओ ही नहीं लगाओ। यहाँ गौरव रोहिला की टीम जो है, पूरी टीम यहाँ बाज़ार में मौजूद है, सफ़ीदों का मेन बाज़ार है, और यहाँ आप देख सकते हैं आप बच्चों को सभी को रोक कर उनके टीम द्वारा मास्क दिए जा रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के ना रह सके। डोर टू डोर जाकर जो मुहिम गौरव रोहिला ने चलाई है, देख सकते हैं पूर्व पार्षद के भाई हैं संजय को अपने हाथों से मास्क लगा रहे हैं। ये देखिए आप देख रहे, लोग मांग भी रहे हैं मास्क और उन्हें दिए भी जा रहे हैं, किसी को भी बिना मास्क के एक और दे दो जी, दो दे दिए भाई। देख सकते हैं आप गौरव रोहिला द्वारा जो मास्क वितरण का कार्यक्रम कल मंडी के रेलवे स्टेशन से लेकर और नहर पुल तक, और आज सफ़ीदों के अगरसैन चौक से लेकर राजीव चौक तक, और अभी जो हम मौजूद हैं थाना है जो किला बोला जाता है वहाँ मौजूद है गौरव रोहिला द्वारा, सभी को मास्क वितरण किए जा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के ना रहे। और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पार्षद के प्रतिनिधि सुनील बाबू, इनसे ही बात कर लेते हैं। गौरव, किस तरह की मोहर लगाई जा रही है भाई साहब? अच्छा, हरियाणा डोमिसाइल पे। तो ये बताइए जो गौरव रोहिला द्वारा मास्क वितरण की जो कल से शुरुआत मुहिम की है, और 40,000
मास्क वितरण करने का इनका लक्ष्य है। इनका लक्ष्य ये है कि सफ़ेदों का कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के ना रहे। आप भी समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं, इस मुहिम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया शुरुआत है जी, और भाई गोरो रोहिला रोहिला को सभी को करनी चाहिए। और राजनीति से ऊपर उठ कर जो आज देश महामारी में जो आज है वहाँ मदद करनी चाहिए। मास्क है, सैनिटाइजर है, या जो जो जानकारियाँ हैं जागरूक, तो अच्छी शुरुआत है, बहुत बढ़िया शुरुआत है। ये भाई ने ही नहीं, सभी ने ऐसी शुरुआत करनी चाहिए, सभी को ऐसी शुरुआत करनी चाहिए। आप भी पूर्व पार्षद प्रतिनिधि हैं, सफेदों की जनता से कुछ कहना चाहेंगे कोरोना महामारी को लेकर? जी जी, कोरोना तो जैसे नहीं, महामारी को जानकारियाँ हैं ना, जो दूरियाँ बनाकर मास्क लगाकर और भीड़ भाड़ के स्थान पर ना जाकर ही मात दी जा सकती है कोरोना को। तो मेरा तो यही संदेश है कि भीड़ भाड़ के एरिए में ना जाए और मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सुनील बाबू आपका। तो यहाँ देख सकते हैं आप, गौरव रोहिला द्वारा जो मुहिम चलाई गई थी वो लगातार आज दूसरे दिन जारी है, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया उन्होंने कवर कर लिया है, नहर पुल से लेकर और आज राजीव चौक तक पहुँचे हैं। एक बार फिर से बात करने का प्रयास करते हैं गौरव रोहिला से, जो अंतिम चरण में है इनका जो अपना जो मास्क वितरण। गौरव रोहिला, आज कल आपने शुरुआत की थी मास्क वितरण को लेकर, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और आपने पूरा आज मेन बाजार सफेदों कवर कर दिया। और आपका कहना है कि 40,000 जो मास्क बांटने का आपका टारगेट है, टारगेट का उद्देश्य ये है कि आपका कोई भी व्यक्ति सफेदों का बिना मास्क के ना रहे, क्या कहना चाहेंगे एक संदेश द्वारा? हाथ जोड़कर सफेदों की जनता से विनती है कि आज 5 बजे बाजार बंद कर दिए गए। अब आपको समझ लेना चाहिए कि अगर अभी भी आप उसको ये तो अपना प्रदेश, अपना शहर लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। अगर लॉकडाउन से बचना चाहते हो तो मास्क का उपयोग करो, सैनिटाइजर का उपयोग करो। अगर आप चाहते हो कि लॉकडाउन से बचा जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले बहुत समस्या होगी, छिन जाएगा, व्यापारियों के व्यापार ठप हो जाएंगे, न जाने कितनी जिंदगियां सड़क पर आ जाएंगी। तो हाथ जोड़ के विनती, मास्क का उपयोग करें, सरकार द्वारा जो हिदायत दी जा रही है उनका पालन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव रोहिला हमसे जुड़ने के लिए। और सामने जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं सफेदों के मेन बाजार से मैं आपको दिखाई हैं, और ये भी सामने देख सकते हैं थाना के करीब है जो पुराना थाना था, और सामने आप देख सकते हैं गौरव रोहिला तो जो मुहिम चलाई गई थी आज उसका दूसरा दिन है। उनका टारगेट है सीधा सा कि सफेदों के किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के नहीं रहने। पोस्टमैन है हमारे साथ रवि, इनसे ही बात कर लेते हैं। रवि भाई, कुछ भाई मास्क लगाइए, आप तो घर घर जाते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, इनको मास्क लगवाइए, आप बिना मास्क के मत घूमिए। ये देखिए आप अपने हाथों से मास्क लगाया इन्हें, क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम को लेकर जो गौरव रोहिला ने चलाई है, जो मास्क वितरण को लेकर, इसकी मुहिम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया जी, देखो हम गौरव रोहिला का धन्यवाद करते हैं जो कोरोना के टाइम मास्क वितरण कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देख सकते हैं गौरव रोहिला गाड़ी में बैठ कर बात कर रहे थे, निकलने वाले थे कि पंडित जी महाराज आ गए, इनसे बात की, ये बिना मास्क के घूम रहे थे। गौरव रोहिला ने हाथ जोड़ के इनसे अपील की है और अपने हाथों से मास्क लगाया है। पंडित जी, आपको गौरव अपने हाथों से मास्क दिया, गौरव रोहिला कल से मुहिम पर लगे हुए हैं और गौरव रोहिला का टारगेट है कि सफेदों की जनता के लिए 40,000 से 50,000 मास्क को बांटेंगे, ताकि सफेदों का बच्चा बूढ़ा कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के ना रह सके। इस इनकी मुहिम को लेकर आप एक ब्राह्मण हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे पहले तो विजयी रहो, इलेक्शन के आ रहे हैं और विजयी रहो हैं, उसके बाद इनके आशीर्वाद है, फलीभूत होंगे, 100% होंगे और जीतेंगे, हमारा आशीर्वाद इनके साथ है। क्या उम्मीदें अगर नगर पालिका प्रधानमंत्री इनकी धर्मपत्नी, तो क्या उम्मीदें इनसे? ये तो बहुत कुछ करवाएंगे जी, बहुत कुछ विकास होगा इसमें, गलिया का विकास होगा, लाइट का विकास होगा, बस साफ सफाई का विशेष ध्यान होगा, हर प्रकार के मतलब तन मन धन से सेवा करेंगे। तो आपका आशीर्वाद किस तरह से मिलेगा इन्हें? तन मन धन तीनों चीज़ों से। अच्छा, तन मन धन से, क्या कहना चाहेंगे जब इस तरह का आशीर्वाद मिल रहा है? बहुत बहुत इन लोगों की दुआएं हैं और इन लोगों की दुआओं के कारण मुझे लगता है कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटे से जनता की सेवा जो कर पाता हूँ। आपने मुझसे थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था कि आप क्या करते हो, उसी सवाल का जवाब ये कि जब ऐसे लोग, ऐसे बुजुर्ग और ऐसे विद्वान लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो मुझे इतनी एनर्जी मिलती है कि मैं 24 की 18 की जगह 20 घंटे भी काम करूं। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ होगा, बिल्कुल सुधार होगा, सब कुछ होगा और सफेदों की तरक्की भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।